तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि मोल क्या होता है। मोल का डेफिनेशन लिख लिया था और हम लोगों ने उसका एक फॉर्मूला पढ़ा। मोल इक्वल टू क्या होता है? नंबर अपॉन एन ए। पूछो कि किसका नंबर? तो मोल कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मार्कर, नंबर ऑफ रुपीस, कुछ भी। अगर कोई भी, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपके पास 6 × 10²³ होता है तो वो कहलाता है 1 मोल। ठीक है, ये 1 मोल की वैल्यू होती है। अब हम लोग आज क्या है कि आज हम लोग मास के कॉन्सेप्ट पे आएंगे और हम लोग आज मोल को क्या करेंगे, मास को रिलेट करेंगे, मास से रिलेट करेंगे। तो आज हम लोग दूसरा एक टर्म समझते हैं, पहले एक टर्म समझते हैं, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो पहले एक टर्म लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, या जिसको कई बार बोलते हैं हम लोग मोलर मास। इसका एक नाम और होता है मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास मतलब है कि एटम का मास। एटम का मास किसमें एक्सप्रेस करना है? ग्राम में। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, आप लोग लिखो, इसमें लिखते हैं क्या होता है, मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखो मास ऑफ 1 मोल एटम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर मास। 1 मोल का मास है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोलर मास। या फिर क्योंकि मास ग्राम में एक्सप्रेस हो रहा है इसलिए इसके इसलिए आप इसको बोल सकते हो ग्राम एटॉमिक मास। तो इसको समझते क्या होता है, कोई भी एटम ले सकते हो, कोई भी। तो चलो हम कोई भी एटम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। आप लोगों का फेवरेट एटम होगा सोडियम। सोडियम बचपन में सुन के बहुत मजा आता है ना, सोडियम पानी में डालो आग लग जाती है, हवा में निकालो आग लग जाती है। तो सोडियम में लेते हैं, आग लगाते हैं। तो देखो सबसे पहला एटम क्या है, सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर 23। तो अगर आपके पास सोडियम का वन एटम है तो उसके वन एटम का मास कितना होता है, 23 mu। हमको पता है कि वन एटम का मास होता है मास नंबर इंटू mu, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ये वन एटम का मास है, मतलब लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। ये हम लोगों को 1 मोल एटम चाहिए। 1 मोल का मतलब कितने एटम चाहिए, 6.023 × 10²³। तो देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना है, 1 मोल। मतलब कितना है हमारे पास है, 6.023 × 10²³। ठीक, कितने आपके पास दे रखा है। तो चलो अब टोटल मास निकालते हैं। अब टोटल मास निकालने का टाइम आ गया। देखो तो एक एटम का मास ये है, ठीक है, एक एटम का मास ये है और टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, इतना। ठीक है, तो निकालते हैं, चलो टोटल मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल सोडियम एटम। तो 1 मोल सोडियम एटम का मास निकालते हैं। तो देखो एक एटम का मास कितना है, 23 mu। एक एटम का मास 23 mu और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स है 6.023 × 10²³। ठीक है, अरे एक एटम का मास ये है और नंबर ऑफ एटम ये है, तो टोटल मास के लिए एक एटम के मास को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एक एटम के मास को हमने नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एमयू को हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। देखो क्या होगा, 23 × 1.66 × 10²⁴ ग्राम में और ये होगा 6.023 × 10²³। आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखना 1 आ जाएगा, आप करके देख लो 1 आएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचा, 23 ग्राम, 23 ग्राम। तो देखो क्या हुआ, सोडियम का मास, सोडियम का किसमें एक्सप्रेस हो रहा है, ग्राम में। तो 23 तो उसका मास नंबर है, बस किसमें एक्सप्रेस हो रहा है, ग्राम में। तो ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ये किसका होगा, हमेशा 1 मोल का मास होगा। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल एटम क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, या इसको बोलते हैं मोलर मास, 1 मोल का मास। ठीक है, जो चीज हमने एटम के लिए किया सेम, चलो मॉलिक्यूल के लिए रिपीट करके देख लेते, सेम वही होगा। तो अब नीचे हेडिंग लिखो, सेकेंड हेडिंग लिखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये हेडिंग लिखना है, क्या लिखना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
तो हेडिंग लिखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो को मुझे एक बात बोलना है, वो ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम लोगों को जो लेक्चर चल रहा है, हो सकता है लेक्चर आपको लगे कि थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो इसलिए वीडियो को क्या है कि आप बार बार पॉज करते रहना। जैसे मान लो कि मैंने थोड़ा फास्ट बोला तो वीडियो को पॉज करके सब कुछ लिखते रहना। ठीक है, और आप जब भी लेक्चर देखो तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, सिर्फ लेक्चर देख के काम नहीं चलेगा। तो मैं जो कुछ बता रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ, सब कुछ आपको मतलब प्रॉपरली नोटबुक में मतलब नोट करना है, प्रॉपरली इसको आपको अपने जो भी रजिस्टर होगा, जो भी नोटबुक होगा उसमें लिखना है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो आप समझ लो कि आपको इस चैप्टर का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको सब कुछ नोट करना है। आपको लग रहा है कि स्पीड थोड़ा फास्ट चल रहा, वीडियो को पॉज करना है फिर आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे करते रहना है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या बोला, मास ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम, मैं रिपीट कर देता हूँ, मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर मास। ठीक है, अभी जो बाद में बोला इसको आप लिख लो, मतलब वीडियो पॉज करके लिखते रहना ये। तो हम लोग अब इसमें देखते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, क्या ले ले भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा मॉलिक्यूल है, पानी। अरे पानी के बिना कहाँ जिंदा रह पाएंगे, वही ले लेते हैं। चलो वाटर, H2O। ठीक है, H2O लेते हैं, इसका मास नंबर पहले निकालेंगे। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1 और 2 हाइड्रोजन तो 2, और ऑक्सीजन का मास नंबर 16, ऑक्सीजन का मास नंबर 16, तो वाटर का मास कितना होगा 18। ठीक है, 18 इसका मास होगा। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे, मास ऑफ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या होगा 18 mu, और क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अरे भाई भाई 1 मोल की वैल्यू से 6.023 × 10³। एमयू की वैल्यू को फिर से पुट करेंगे तो देखो क्या होगा 18, एंड एमयू कितना होता है 1.66 × 10⁻²। 10⁻⁴ दिस इज -24 ग्राम, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 × 10⁷। ये ग्राम में रहता है, ग्राम में आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बिकम 18 ग्राम। तो 18 ग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये 18 ग्राम इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो अब देखो वाटर का मास ग्राम में एक्सप्रेस हो रहा है और यही कहलाता है आपके पास मोलर मास। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो किया और आज जो किया, पहले इसको समराइज करते हैं, मतलब आप लोगों को पहले समराइज करके मैं बताता हूँ कि क्या है और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो दो तीन टर्म मैंने बता दिए, एक मास नंबर बता दिया। देखो मास नंबर मीन्स नंबर, तो वो काउंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर मैंने मास ऑफ वन एटम या वन मॉलिक्यूल बताया जो होता है मास नंबर इंटू एमयू। फिर मैंने क्या बताया आपको, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल या वन मोल एटम। देखो देखते लिखते हैं आपके पास कुछ, देखो एटम हो सकता है ये मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है, फिर इसके आगे मास नंबर, किसी का भी एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके आगे क्या होगा, मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो सकता है, और लास्ट क्या हो सकता है, मास ऑफ वन मोल एटम और मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल एटम और मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं मोलर मास। ठीक है, यही मोलर मास, ये वन मोल के लिए है, ये वन के लिए वो मास नंबर। ठीक है, कुछ अपने फेवरेट एटम मॉलिक्यूल का मतलब लिख लेते हैं, जो भी मतलब पसंद हो, जैसे
लिथियम और क्या कर सकते हैं, लिथियम मुझे पसंद है एक्चुअल में, और आप लोगों की मर्जी के हिसाब से आप लोगों को कौन सा पसंद होगा, और क्या ले इसमें, आयरन, आयरन पसंद होता है, मरकरी, मरकरी पसंद होगा। अब चलो मॉलिक्यूल लिख लेते, कितना इसमें लिखेंगे, मॉलिक्यूल में क्या लोगे इसमें, मिथेन, इथेन क्या लोगे, सीएनजी ले लेते मिथेन इसमें, और क्या ले सकते हैं, और कोई बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ग्लूकोज, पहले इतना लिख लेते फिर और आगे लिखते हैं। तो देखो, मास नंबर, मास नंबर किसी एलिमेंट का याद नहीं करना होता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, नहीं याद करना है, ठीक है। लिथियम का मास नंबर 7 होता है, आयरन का 26 होता है, नहीं आयरन का 56 होता है, एक्चुअली 26 उसका एटॉमिक नंबर है, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 है पर मास नंबर 200, ठीक है। CH4 की बात करेंगे तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, दिस विल बी 16, एंड ग्लूकोज की बात करेंगे कार्बन 12 आएगा, 12 × 6, हाइड्रोजन विल बी 12, ऑक्सीजन 16 × 6, सो दिस इज 180, ठीक है 180 आता है, ये इसका मास हो। तो देखो, लिथियम का अगर एक एटम होगा तो इसका मास होगा 7 AMU, इसका अगर एक एटम होगा तो इसका मास होगा 56 AMU, अगर मरकरी का एक एटम होगा तो इसका मास होगा 200 AMU, अगर मिथेन का एक एटम होगा तो इसका मास होगा, बस अगर एक एटम का मास है तो सिंपल है, या एक मॉलिक्यूल का मास है तो मास नंबर को एमयू से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आंसर ग्राम में दिया है मान लो इसका, तो एमयू की वैल्यू पुट कर देना, एमयू कितना होता है 1.66 × 10^-24। लास्ट वाला इसको लिखते हैं 180 AMU, मीन्स ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। अगर 1 मोल होता तो लिथियम के 1 मोल का मास है 7 ग्राम, आयरन के 1 मोल का मास 56 ग्राम, आयरन के 1 मोल का मास 56 ग्राम, मरकरी के 1 मोल का मास 200 ग्राम, मिथेन के 1 मोल का मास 16 ग्राम, एंड ग्लूकोज के 1 मोल का मास 180 ग्राम, ठीक है। तो जो एमी मत उसको ग्राम एक्सप्रेस कर दे सकते, किसी को भी ले सकते। चलो दो तीन और ले लेते हैं, तो जो आप लोगों को पसंद हो कोई। H2SO4 किंग ऑफ ऑल केमिकल लिया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप प्योर H2SO4 में इस मार्कर को डिप कराओ तो मार्कर गायब हो जाए, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H2SO4 मतलब मार्कर गायब हो जाए। और क्या ले सकते, चलो कोई आयन ऑन भी ले लिया जाए, तो एक कटायन ले लेते हैं और फिर एक अनायन, तो कटायन में मॉलिक्यूल का लेते हैं या फिर किसका ले, किसी का भी ले सकते वैसे, क्या ले ले बताओ, जिंक ले लेते हैं, जिंक +2, ठीक है कोई भी हो सकता है, और एक चलो अनायन ले लेते हैं, अनायन में मॉलिक्यूल को किसी को भी ले सकते हैं एक्चुअल में, ऐसा कुछ नहीं, तो इसमें ले लेते हैं हम लोग MnO4- पर मैग्नेट आयन, बहुत लोगों ने सुना होगा, अरे KMnO4 को बोलते हैं ना KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो अब इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन, ठीक है। तो अब H2SO4 में क्या होता है, हाइड्रोजन का मास 1 है, सल्फर का मास 32, मास नहीं याद करना होता, दिया रहता है टेबल में, मुझको पता है मैं लिख देता हूं, मुझे तो पता है एक्चुअल में, तो 2 + 32 + 64, सो दिस विल बी 98, जिंक का मास, अरे जिंक का मास 65 होता है, अब बोलोगे +2, अरे प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, क्या इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज आता है, नहीं आता, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज नहीं आता तो मास में चेंज नहीं आता, तो याद रखना कि पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से मास में चेंज नहीं आता है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिमूव किया फिर इलेक्ट्रॉन ऐड किया, और मास में तो इलेक्ट्रॉन काउंट ही नहीं होता है, ठीक है। MnO4- मैंगनीज का मास एक्चुअल में 55 होता है, मैंगनीज का मास Mn का, और ऑक्सीजन का, अरे 4 ऑक्सीजन है तो दिस विल बी 64, सो दिस विल बी 119, तो अगर एक मॉलिक्यूल हुआ तो उसका मास 98 mu,
this will be 65 mu, this is 119 mu. ठीक, ये इसकी वैल्यू होगी. अगर ये वन मोल हो गए तो इसका मास दिस विल बी 98 ग्राम, 65 ग्राम एंड 119 ग्राम. ठीक है, तो जो भी मास होता है उसको हम लोग किस में एक्सप्रेस कर देते हैं, ग्राम में. तो ये आपके पास इसके क्या होंगे, मास हो जाएंगे. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा. ये बात को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से मास में फर्क नहीं पड़ता. तो यहां तक हम लोगों ने क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास समझ लिया. अब मोल पे आते हैं. तो देखो मोल में क्या होता है कि मोल का जो पहला फॉर्मूला था, मैंने मोल इक्वल टू क्या बताया कि मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर अपॉन एन ए. नंबर में क्या, अरे भाई कुछ भी ले सकते हो, एटम भी ले सकते हो, मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, आयन भी ले सकते हो, जो मर्जी ले लो, जो मर्जी ले लो. तो वो होता है मोल. मैंने समझाया था लास्ट में मोल कुछ भी हो सकता है. अब अगर आप मास के टर्म में बात करो तो मास के टर्म में तो देखो होता क्या है कि वन मोल एटम या वन मोल मॉलिक्यूल का मास अलग अलग होता है, जिसको हम लोग मोलर मास या कई बार स्टैंडर्ड मास या एटम के लिए एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं. जैसे लिथियम का मास 7 ग्राम होता है, अरे वन मोल की बात करें मोलर मास. वाटर का मास 18 ग्राम होगा, CO2 का मास 44 ग्राम. तो सबके जो भी स्टैंडर्ड मास है जिसको मोलर मास बोलते हैं, जिसको एटॉमिक मास, एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, वो क्या होता है, अलग अलग होता है. तो देखो यहां पे Na का वैल्यू जो है ये फिक्स है. क्या होता है, 6.023 × 10³। पर अगर आप मास के टर्म में फॉर्मूला लिखना चाहो तो देखो क्या होता है, नंबर के टर्म में करोगे तो नंबर अपॉन Na. ठीक है, Na में वन मोल का वैल्यू. अगर मास के टर्म में करना चाहो तो क्या होगा, तो देखो मास के टर्म में अगर करना चाहो तो मास अपॉन क्या होगा, मोलर मास. तो मोलर मास मतलब क्या, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, जिसको स्टैंडर्ड मास भी बोल सकते हैं. तो अब मोलर मास चेंज होता रहेगा. देखो है क्या, नीचे वन मोल के नंबर से डिवाइड करते हैं, वैसे यहाँ पे वन मोल के मास से डिवाइड करना है. जो मास क्या होगा, ये मास गिवन होगा. ठीक है, ये गिवन मास होगा, ये बात ध्यान रखना है. अब जैसे एग्जाम्पल समझते, चलो कुछ समझ लेते हैं इसको. पहले मान लेते आपके पास है 9 ग्राम H2O. ठीक है, सपोज करते हैं 9 ग्राम H2 गिवन है, इसका मोल पूछा है. तो 9 ग्राम वाटर गिवन है, तो देखो मोल निकालना है. तो मोल क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास. तो वाटर का मास है 9 ग्राम. ठीक है, ये जो मास जो गिवन होगा, जो मास गिवन होगा वो होगा आपका वही वही वही, मतलब मास गिवन दिया रहेगा अपॉन मोलर मास. और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18. हमको पता होगा क्योंकि वाटर है, तो आपको इसको देख के पता चल जाएगा वाटर भाई 18, तो ये 18 ग्राम, तो इसका मोल आएगा हाफ. ठीक है, ये इसके वैल्यू आएगी. एक बात को ध्यान रखना है, जिसका मास लोगे उसी का मोलर मास. अगर यहाँ पे सपोज को लिथियम दिया होता तो लिथियम का मास अपन लिथियम का मोलर मास. जिसका मास लोगे उसी का मोलर मास लेना है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा. ठीक है, आप चाहो तो दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर दो, क्लब कर दो, दोनों फॉर्मूले को क्लब कर देते. क्लब करने का मतलब कि नंबर अपॉन Na इक्वल टू क्या होता है, मास, अरे ये भी मोल, ये भी मोल, मैंने दोनों को क्लब कर दिया, तो ये क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास. तो ऐसा फॉर्मूला होता है. इसमें एक बात को ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, अगर यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिया है तो यहां पे मॉलिक्यूल का मास आएगा मॉलिक्यूलर मास, या फिर मॉलिक्यूल का मास और यहां पे मॉलिक्यूल का मोलर मास. ठीक है, तो जिसका नंबर लोगे उसी का मास लेना है. पता चला कि आप नंबर बोल रहे हो लिथियम का और मास ले रहे हो वाटर का, ऐसा नहीं करना है. जिसका नंबर उसका मास, ठीक है, या जिसका नंबर उसी का मॉलिक्यूलर मास, ये बात को ध्यान रखना है. तो ये मोल के फॉर्मूले को जो हम लोगों ने अभी तक किए, अब हम लोग इसका यूज करके अब कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं.
तो ये ध्यान रखना है, जिसका नंबर लोगे उसी का ही आपको मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास लेना होता है, ठीक है। ये तो हम लोग अब चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को किया जाए। तो लिखते हैं, मैं देखो क्वेश्चन लिख दूंगा तो सब लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई करना। सिर्फ मेरे सोल्यूशन को देखो कॉपी करने से ज्यादा आपको फायदा होगा नहीं, तो जब मैं क्वेश्चन को लिख दूंगा तो वीडियो को एक बार पॉज करके ट्राई जरूर कर लेना इसको। फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन द फॉलोइंग, ठीक है, मोल निकालते हैं। तो मैं उन्हीं का दे देता हूं जिसका भी हम लोगों ने टेबल में मतलब लिखा था, जिससे आपको इजीली आ जाए, ठीक है। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार आप ट्राई जरूर कर लेना। तो देखो इसका मोल निकालते हैं, सल्फर का मास नंबर होता है 32 और मरकरी का तभी बताया था थोड़ी देर पहले 200 होता है, तो इसका मोल देखो क्या होगा, 36/18, तो ये आएगा 2 मोल। इसका मोल करेंगे तो क्या होगा 50 और मरकरी का मोलर मास होता है 200, सो दिस विल बी 1/4। SO4 2 माइनस का मोलर मास 96 ही आएगा, सो दिस विल बी 1 मोल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इनके मोल्स आएंगे, ठीक है। तो नीचे क्वेश्चन लिखो, फाइंड द क्वेश्चन लिखो, इसके बाद फाइंड द मास ऑफ 5 मोल ग्लूकोज, फाइंड द मास ऑफ 5 मोल ग्लूकोज, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, इसका मॉलिकुलर मास होता है 180 ग्राम, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन वही मोलर मास, तो क्या होगा, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल, कितना मोल है 5 और मोलर मास 180, सो दिस विल बी 900 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपके पास ग्लूकोज का मास आ जाएगा, 5 मोल ग्लूकोज का मास, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, तो कुछ मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। तो अब क्वेश्चन लिखो इसमें, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखते रहो, मोल में जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो उतने ज्यादा आप अच्छे बनोगे। क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जरूर, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा इस चैप्टर में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जितना क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखते हैं क्या होता है आपके पास, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 66 ग्राम CO2, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 66 ग्राम CO2, 66 ग्राम CO2 में बताने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na इज इक्वल टू क्या था, मास अपॉन मोलर मास, अरे यही तो बताया था कि दोनों को इक्वेट कर देना, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मास में रिलेट करना होगा तो कर देना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, Na का वैल्यू 6.023, आप इसको 6 भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 0.023 उड़ा सकते हो, × 10^23, मास कितना 66 ग्राम एंड CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम, आप कैलकुलेट करके देख लेना, सो दिस विल बी 3/2, सो सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी 3/2 × 6.023 × 10^23। इसके आगे कैलकुलेट करना वो आपका काम है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सारे क्वेश्चन को ध्यान रखना, एक बार पॉज करके जरूर खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द मास ऑफ 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। फाइंड द मास ऑफ 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। अब बोलोगे सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है सर? सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। तो इसके बताना है आपको वही मास, फाइंड द मास ऑफ 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, ठीक है, ये सॉल्व करना। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास सब लोग कैलकुलेट करके देखो पहले क्या आता है। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, यूज करो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, ठीक है। तब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10^22, एन ए की वैल्यू 6.023 × 10^23, मास कैलकुलेट करना है एंड मोलर मास कितना होता है 342 ग्राम, ठीक है, ये होता है, ये कट जाएगा, दिस विल बी 10, सो मास इज इक्वल टू 342 पर जाएगा, सो दिस विल बी 342/60.23 ग्राम। अरे भाई कैलकुलेट कर लेना, ये नियरली कितना होगा, 60 × 6 करोगे 360 आएगा, 360 से थोड़ा सा कम है, तो मेरे हिसाब से ये 5.6 के आसपास आएगा, 5.6 के आसपास, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना अप्रॉक्सीमेटली 5.6, बाकी कैलकुलेशन करना वो आपका काम है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इस तरीके से क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मास या फिर मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो ट्राई करना उसको मोल के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मोल के टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये कि जैसे अगर कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, कभी मास गिवन है, तो ट्राई करना उसको आप मोल के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि आपके पास वो क्या होगा। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास गिवन हो तो उसको ट्राई करेंगे हम लोग मोल के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 27 ग्राम वाटर H2O इज एडेड इन 1.2 × 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब इतने मॉलिक्यूल वाटर के दिए तो उसमें उतना मास ऐड किया, ठीक है। 27 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड इन 1.2 × 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फाइंड टोटल मोल एंड टोटल मास ऑफ फाइनल वाटर, ठीक है। तो टोटल मोल और टोटल मास बताना है जो फाइनल वाटर बनता है उसका, ठीक है। तो देखो बोल क्या रहा है, इतना ग्राम पानी उतने मॉलिक्यूल में ऐड किया है, ठीक है, टोटल मोल और टोटल मास बताना है। तो सबसे पहले चलो दोनों का मोल निकाल लेते हैं, चलो दोनों को मोल निकाल लेते हैं, टोटल मोल आ जाएगा, दो ऐड किया तो दोनों को मोल निकाल के ऐड कर दो, ठीक है, ऐड ही तो कर रहे हैं, कुछ वाटर का मॉलिक्यूल उसमें कुछ पानी डाल दिया, तो दोनों का मोल निकाल लो पहले। तो क्या होगा, देखो इसका मोल, तो मोल क्या होता है, मोल होता है मास अपॉन मोलर मास, तो वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम, ठीक है। तो इसका मोल आएगा 1.5, ठीक है, तो उसका भी मोल निकालते हैं, तो मोल क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और Na की वैल्यू, अरे अप्रोक्सीमेटली 6 ले लो भाई, 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मोल क्या होता है, दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय Na, इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी 2, ठीक है, दोनों को मिलाने से क्या होगा, टोटल मोल, अरे ऐड हो रहा ना ये, सो टोटल मोल कितना होगा, 2
plus 1.5, so total mole will be 3.5 मोल. ठीक है, 3.5 मोल होगा. अब मास पूछा है, ठीक है, तो चलो मोल का दोबारा फॉर्मूला यूज करते हैं. देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. मोल क्या है, 3.5. मोलर मास को इधर मल्टी, अरे मास निकालना है, मोलर मास वाटर का मोलर मास होता है 18 होता है, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये मास आ जाएगा. तो देखो ये 3.5 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन करना आपको आता होगा तभी मैं कर देता हूँ. क्या होगा, 18 इंटू 3 54 प्लस 9, सो दिस विल बी 63 ग्राम. ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा. तो ये हमारा क्या आया, आपका मास. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कुछ ऐड करने का, तो क्या करना, दोनों का मोल निकाल के ऐड कर देना. ठीक है, तो जो भी पूछा होगा ऐसे ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा. और ऐसे में क्या होता है, कई बार आपको बोलेगा रिमूव करना, रिमूव, तो जब रिमूव करने के लिए बोलेगा तो माइनस कर देना, ऐड करने के लिए बोला है तो प्लस कर देना, रिमूव करने के लिए बोला है तो माइनस कर देना. ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन किया जाए भाई, रिमूव वाले भी, हर टाइप के क्वेश्चन. मतलब हम लोग क्या है कि कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ कवर कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ कवर करेंगे. और मतलब मैं मोल में आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा. और अगर आप सपोज करते हो कि आप सीईटी के बारे में सोचते हो, या आप जेई मेन के बारे में सोचते हो, या फिर नीट के बारे में, आपका अगर टारगेट इतना है नीट सीईटी और जेई मेन, तो मोल में मैं जितना करवाऊंगा अगर आप उसको अच्छे से करोगे, मीन्स समझ के करोगे, तो इसके बाहर तो क्वेश्चन इन तीनों एग्जाम में आ ही नहीं सकता है. एडवांस की गारंटी नहीं ले सकते. एडवांस में क्या होता है कि वो बहुत ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन देते हैं, तो उसमें क्या होता है कई बार वो नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो जो आपको सोच के सॉल्व करना है. अब आप बोलोगे सर वो कैसे करेंगे, इसलिए बोला प्रैक्टिस करो, जब चीज़ों को समझोगे प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या है कहीं पे कुछ भी सॉल्व कर सकते हो. देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस का मतलब क्या है. जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स देखते हो, मान लो कि क्रिकेट देखते हो, मान लो, तो देखो आप मान लो कि आपको जाना है इंग्लैंड खेलने, सपोज करो इंडिया की टीम इंग्लैंड जाने वाली है, तो ऐसा तो होता नहीं कि हम इंग्लैंड में जाके सालों प्रैक्टिस करते हैं. अरे वहाँ पे जाओगे तो एक या दो ही प्रैक्टिस मैच होते हैं, तो आप प्रैक्टिस कहाँ करते हो, इंडिया में. अरे कोई भी क्रिकेटर होगा इंडिया में पैदा हुआ तो इंडिया में मैच खेलता है, इंडिया में प्रैक्टिस करता है, और फिर वो जाता है इंग्लैंड में, वहाँ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता है एक दो मैच का, और फिर वो खेलने लगता है मेन मैच. तो वैसे आईआईटी में होगा, हम लोग क्लास में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस आपका यहाँ पे टेस्ट सीरीज होगा, जो टेस्ट होते रहेंगे उसमें करेंगे, और फिर आपको इतना प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि आप जाके मतलब एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. जेई मेन सीईटी और नीट जो मैं करवा रहा हूँ 100% इससे, 100% इसके बाहर आएगा ही नहीं. जे एडवांस में क्या होता है कि कई बार चीज़ों को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, तो अगर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप उसको भी सॉल्व कर लोगे, नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है. इसलिए जे एडवांस के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपका एडवांस का टारगेट है तो चीज़ों को बहुत समझ के सॉल्व करो, सिर्फ रट्टा मार के काम नहीं चलेगा. एडवांस में अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो मैं सब जो करवा रहा हूँ जेई मेन और नीट का क्वेश्चन तो आपसे आग बंद करके हो जाएगा, पर अच्छे से समझ के करोगे तो, रट्टा मार के नहीं. ठीक है, तो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो देखो क्या है इसमें, तो इसको लिखते हैं क्या करें इसमें, 60 चेंज कर देते हैं मॉलिक्यूल्स, बार मिथेन ले लेते, चलो 48 ग्राम मिथेन, 48 ग्राम मिथेन इज रिमूव्ड, रिमूव क्या है, इज रिमूव्ड फ्रॉम 3×10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन, इज रिमूव्ड फ्रॉम 3×10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन, फाइंड मोल एंड मास ऑफ मिथेन लेफ्ट. तो बताना है मिथेन का कितना मोल और मास बचेगा. ठीक है, मोल के लिए क्या करो, दोनों का मोल निकाल लो. ठीक है, दोनों का मोल निकाल लो, और रिमूव क्या है उससे, तो उसमें से इसको माइनस कर देना. तो देखो पहले इसका मोल निकालते हैं, तो मोल निकाल लो, तो इसका मोल क्या होगा, 48
बाइसिस्टीन, तो ये आपके पास कितना मोल आ जाएगा, 3 मोल। उसका मोल निकालते हैं, तो इसको तो रिमूव करना है और जो मोल गिवन है तो वो कितना दे रखा है। सारे क्वेश्चन को ध्यान रखना, एक बार पॉज करके जरूर खुद से ट्राई कर लेना। कितना गिवन था, 3 × 10^24 और डिवाइडेड बाय 6 × 10^23। कितना मोल गिवन था, 5। 5 मोल दिया था और 3 मोल रिमूव करना है, तो क्या होगा, मोल लेफ्ट। 5 मोल दिया था, 3 मोल रिमूव करना, कितना बचेगा, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल बच जाएगा, ये आ गया। अब मास भी पूछा है, तो मास के लिए कुछ नहीं यार, यही फॉर्मूला, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कैलकुलेट करना है, सो मास क्या होगा, मास होगा मोल, कितना है, 2। अरे 2 ही तो बचा है, और मोलर मास 16, सो दिस विल बी 32 ग्राम। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा, तो इसको लिख लो और फिर हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक और क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं, तो देखो क्या है, 10^21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 10^21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज, या भाई आर कर लेते, आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 mg ऑफ CO2, आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 mg ऑफ CO2, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल ऑफ CO2 लेफ्ट। बताना है CO2 के कितने मॉलिक्यूल और कितने मोल बच गए। देखो मिलीग्राम लिखा है, वो 1 mg का मतलब होता है 10^-3 ग्राम। ठीक है, मिलीग्राम लिखा है, ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, जे एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो गिवन क्या है, 10^21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिमूव्ड फ्रॉम 200 mg ऑफ CO2। ठीक है, रिमूव किया है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल ऑफ CO2 लेफ्ट। ठीक है, ये बताना है कि कितने मॉलिक्यूल और कितने मोल बचेंगे। ठीक है, अब इसको देखो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल जो गिवन है, पहले इसको निकालते हैं, इसका मोल निकालते हैं। तो देखो मोल क्या होगा, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। तो मोल क्या होगा, 10^21 मॉलिक्यूल दिया था और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किससे डिवाइड करते हैं, एन से, तो क्या होगा, 6 × 10^23। तो ये कट होगा, दिस विल बी 10^2, ऊपर जाएगा 10/6 × 10^-3, सो दिस इज 1.66 × 10^-3। ठीक है, ये इसका मोल है, इसका मोल निकालते हैं, मोल तो क्या होगा, कितना गिवन था, रिमूव्ड फ्रॉम, इसको रिमूव किया इससे, तो इसका मोल निकालेंगे तो क्या होगा, 200 mg है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3, अरे मिलीग्राम था भाई, ग्राम में कन्वर्जन नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, और क्या है, CO2 का मोलर मास कितना है, 44। ठीक है, इसको इसे डिवाइड करोगे, सो दिस विल बी, डिवाइड कर लेना, अप्रॉक्सीमेटली 4.54 × 10^ क्या होगा, -3। ठीक है, ये हम लोगों ने रिमूव किया है और ये गिवन था। ठीक है, तो देखो क्या होगा, फिर मोल लेफ्ट जो बचता है वो क्या होगा, कितना मोल गिवन था, 4.54 × 10^-3, इतना मोल गिवन था, कितना रिमूव किया है, रिमूव कितना किया है, 1.66 × 10^-3, तो इससे इसको माइनस करोगे, सो दिस इज 2.88 × 10^-3 मोल। ठीक है, मोल आ गया।
अब मॉलिक्यूल भी पूछा है तो मॉलिक्यूल कुछ नहीं, अगर आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल इंटू एन ए, तो देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोल इंटू एन ए, तो देखो मोल कितना है 2.88 इंटू 10^-3, एन ए की वैल्यू 6.023 इंटू 10^23, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो और आपका जो भी वैल्यू होगा वो एक्चुअल में आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, मल्टीप्लाई करना आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो अभी तक हम लोगों ने दो ही फॉर्मूले सीखे और उसी के क्या है डिफरेंट वराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये जो भी वराइटीज ऑफ क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब हम लोग इसमें देखो आगे बढ़ते हैं और इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ ये पहला वाला क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मीन्स जेई एडवांस, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच के सॉल्व करना है, सिंपल ही पर थोड़ा सोच के सॉल्व करना। तो क्वेश्चन लिखो, लिखो इक्वल मास ऑफ मिथेन एंड इथेन आर टेकन, इक्वल मास ऑफ मिथेन एंड इथेन आर टेकन इफ 10^10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन आर टेकन, इफ 10^10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेन आर टेकन फाइंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, इथेन के बताने कितने मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट करता हूं, क्या है मिथेन एंड इथेन का मास सेम दिया हुआ है, इक्वल मास ऑफ मिथेन एंड इथेन आर टेकन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मिथेन दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन बताना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच के सॉल्व करना है। दोनों फॉर्मूले लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन में वो जो फॉर्मूला था नंबर अपॉन एन ए इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसको दो बार अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। देखो है क्या, पहले देखो इधर मिथेन है और इधर इथेन, मिथेन इथेन, ठीक है, बाई बाई लिख लिया दोनों, तो देखो क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन ए, यही होता ना ये, इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखो एक बात का ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन बड़ा आने वाला है मान लो, तो उसको लास्ट तक के लिए होल्ड करके रखना, बीच में पता चला आपने कैलकुलेट कर दिया टाइम वेस्ट कर दिया, तो अगर कोई बड़ा कैलकुलेशन आने वाला है तो उसको लास्ट तक वेट करना है, तो हो सकता है कुछ कट जाए, मतलब हो सकता कुछ कट जाए, इसलिए लास्ट तक वेट करना है, इसलिए पहले कैलकुलेट नहीं करके टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर कुछ कैलकुलेशन आने वाला है तो लास्ट तक वेट करना है। तो देखो कितने मॉलिक्यूल गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10^10 अपॉन एन ए, मास हमको नहीं पता पर मिथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16, तो मास कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 16 × 10^10 बाई एन ए, मैं यही कर रहा हूँ, एन ए की वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं करना, हो सकता लास्ट में एन ए कट जाए, वेट करना है। अब देखो ये क्या है, ये किसका मास आया मिथेन का, अब क्वेश्चन में पढ़ो पहले लाइन में क्या लिखा है, इक्वल मास ऑफ मिथेन एंड इथेन आर टेकन, जितना मिथेन का मास है उतना ही इथेन का मास होगा, तो मतलब ये कि जो इथेन जो होगा इसका मास भी यही सेम होगा 16 × 10^10 बाई एन ए, ठीक है, ये एन ए समझ में आया होगा, मिथेन और इथेन का मास सेम दिया था फर्स्ट लाइन में, तो जितना मिथेन का मास उतना इथेन का मास। अब दोबारा ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई करो, तो फिर से तो देखो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है अपॉन एन ए, मास 16 × 10^10 बाई एन ए, और इथेन का मॉलिक्यूलर मास 30, तो एन ए से एन ए कट जाएगा, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी 16/30, मतलब क्या होगा ये 8/15 × 10^10, ठीक है, ये इसका आंसर है। आप इसके आगे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट इसको कर सकते हो, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मास निकाला, जितना इसका मास उतना इसका मास, और फिर इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मैं ऐसे आप लोगों को फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सोच के करना, ठीक है।
तो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड CO2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एंड CO2 मॉलिक्यूल आर टेकन इन द मास, इन द मास रेशियो ऑफ, इन द मास रेशियो ऑफ 2:5. ऑक्सीजन एंड CO2 आर टेकन इन द मास रेशियो ऑफ 2:5. तो हमने ऑक्सीजन और CO2 को 2:5 के रेशियो में लिया है. रेशियो पढ़ाया क्या होगा मैथ्स में, क्लास 6-7 में करवाया जाता है. मैथ्स पता होता ना, समझ के सॉल्व करना होता है, रट्टा मार के नहीं. तो रेशियो, अरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवाया गया होगा, वही रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला रेशियो यहाँ यूज करोगे आ जाएगा, बहुत सिंपल है ये. तो देखते हैं क्या करना है. अभी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. ऑक्सीजन एंड CO2 आर टेकन इन द मास रेशियो ऑफ 2:5. ओके, इफ इफ 10^20 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आर टेकन, इफ 10^20 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आर टेकन, फाइंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, फाइंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, CO2 के मॉलिक्यूल बताने कितने होंगे. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, करते हैं सॉल्व. ओके, पहले ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन ए, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एन ए मास अपॉन मोलर मास, इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास. ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है, तो इसका जो मास आएगा मल्टीप्लाई होगा 32 × 10^20 बाई एन ए. ठीक है, तो ये इसका देखो मास आया. अब देखो बोल क्या रहा है, समझो पहले O2 और CO2 2:5 के रेशियो में है. ठीक है, अब अगर O2 का मास ये है तो बताना CO2 का मास कितना होगा. तो रेशियो निकालना आपको आता होगा, अरे 2x ले लो इसको, 5x ले लो, करना आता होगा. ठीक है, आप करके देख लो. मैं इसका मास निकालता हूँ, आपको जो भी मैथ्स पढ़ाएगा आप उसको अप्लाई कर लो. मैं सीधा सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ. ठीक है, तो उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको आता होगा, आप कर लो इसको. तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा 5/2 एक्चुअल में × 32 × 10^20 और बाई एन ए. अरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको सॉल्व करना आता होगा, आप कर लेना, उससे आ जाएगा ये. ठीक है, तो उससे करके देखना आ जाएगा, तो अल्टीमेटली यही बनेगा. तो ये इससे कट जाएगा, ये होगा 16 और ये हो जाएगा 8. तो ये हो जाएगा 8 और × 10^21 बाई एन ए. ठीक है, ये इसकी वैल्यू अभी आया का मास. रेशियो एंड प्रोपोर्शन अप्लाई कर लेना. थोड़ा सा मैथ्स मैंने जानबूझ के थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन दिया है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि जे एडवांस में या फिर कभी कभार जे मेन में थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है. नीट देखो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नीट और सीटी के औकात के बाहर है, वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देंगे. अगर आपका टारगेट नीट या सीटी तो आपके लिए पिछला क्वेश्चन इनफ था, उससे ज़्यादा सीटी और नीट वाले के औकात ही नहीं है. ये क्वेश्चन शायद शायद जे मेन में आ सके, नहीं तो स्पेशली जे एडवांस के, जे एडवांस वाले एडवांस मतलब मैथ्स, तो वो मैथ्स को जरूर चेक करते हैं आपका. एडवांस में देखो अच्छा मार्क्स लाने के लिए पहला क्राइटेरिया यही होता है कि आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए. तो ऐसा मैथमेटिक्स वाला काम सिर्फ एडवांस वाले करते हैं. अगर आपका टारगेट नीट है तो ये सब क्वेश्चन मत देखो, आपके लिए है ही नहीं. इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसके मतलब उसके पहला वाले भी क्वेश्चन समझ लो नीट के हिसाब से काफ़ी डिफिकल्ट था, नीट में उतना भी डिफिकल्ट नहीं देते. हाँ, उसके पहले जितने क्वेश्चन कराए सब नीट जेई मेन और सीटी के लेवल के थे. एडवांस में भी आ सकता है ऐसे नहीं, पर एडवांस में नॉर्मली ज़्यादा ईजी देते नहीं, तो एडवांस के लिए स्पेशली ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैथ्स भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपका चेक कर लेंगे इसी में. तो ये इसका आया मास. ठीक है, मास आ गया, फिर से दोबारा सेम फॉर्मूला, अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एन ए इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. तो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है अपॉन एन ए. CO2 का मास कितना आ रहा है, CO2 का मास आ रहा है 8 × 10^21 बाय एन ए और इसका मोलर मास 44. ये इससे कट जाएगा, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी 8/44 × 10^21. ठीक है, तो ये इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा. ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया. तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने समझा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, फिर मोल का दूसरा फॉर्मूला सीखा और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया.
अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, मोल का एक फॉर्मूला और लिखेंगे, उसको सीखेंगे, और इसके अलावा हम लोग फिर तीनों फॉर्मूले का मिक्स यूज करेंगे।